मैंने टिकटॉक ऑन की, ऑन करते ही हादी जान की एक वीडियो आई है जिसमें उसका मोबाइल छीन रहे हैं। भाई क्या है, बंद करो इसे। ये क्या तरीका है, बंद करो इसे, ये क्या, आपको नहीं पता। अस्सलाम दोस्तों, आज जो है मैं जा रहा हूँ बोर्ड ऑफिस। मेरी जो मैट्रिक की सनद थी वो गुम हो गई थी, तो मैंने डुप्लीकेट सनद के लिए अप्लाई किया था। आज मेरे भाई ने मैंने उन्हें टेक्स्ट किया कि भाई सनद मेरी बन चुकी है तो मैं आ जाऊँ लेने, तो उन्होंने कहा कि जी आ जाओ 12 बजने से पहले पहले। तो मैं अब जा रहा हूँ, इस वक्त 11 बज चुके हैं, आधे घंटे का सफ़र है, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो कुछ आइडिया नहीं है। तो मेट्रो से जाएंगे, सनद का पता करेंगे, अल्लाह करे मिल जाए। तो फिर मैंने डोमिसाइल भी अपना बनवाना है, बना हुआ है वो भी गुम हो चुका है, तो ये बस सीन है थोड़ा सा। तो ये चीज़ें आज मैंने अपनी कंप्लीट करनी है, तो रश बहुत है, लाइन भी बहुत लंबी लगी हुई है। और मेरा ख्याल है मुझे अगले स्टॉप से बैठना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबी लाइन है भाई साहब। तो हम बैठेंगे नेक्स्ट स्टॉप से। डर लगा रहता है कि कोई मोबाइल हाथ से खींच कर ना चला जाए, हालात कुछ ऐसे हैं। अभी हम चलते हैं, ये जो सेकंड स्टॉप आया है न्याजी चौक का, मेट्रो स्टेशन का, यहाँ से जो है अब मैं बैठूँगा कर्तबा चौक के लिए, वहाँ से हम जाएंगे बोर्ड ऑफिस। ओ भाई क्या है, बंद करो इसे, ये क्या तरीका है, बंद करो इसे, ये क्या, आपको नहीं पता। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब कैरियर से होंगे, एक न्यू व्लॉग के साथ खुशामदीद। तो आज फ्रेंड्स मैं थोड़ा लेट उठी, मेरी तबीयत ख़राब थी क्योंकि हम मुसलसल सफरों पे रहे हैं, लेकिन जैसे मैं उठी तो मैंने टिकटॉक ऑन की, ऑन करते ही हादी जान की एक वीडियो आई है जिसमें उसका मोबाइल छीन रहे हैं, और मतलब इस तरह से उसने पता नहीं कहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे कहाँ पर उसने जाकर तो वीडियो बनाई है। अब उन्होंने उसका मोबाइल भी ले लिया है, वो कोई रابطہ नहीं कर रहा है, सब घर में इतना परेशान हो गए हैं कि पता नहीं क्या बात हो गई है। बस अब देखें क्या होता है, अल्लाह करे खैरियत से आ जाए, सब बहुत परेशान है और इसकी कोई खबर भी नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा था आज की सुबह खुशगवार होगी ज़रा, और इसने शुरू करते ही व्लॉग जो मतलब उठते ही इसने जो है परेशानी दे दी है। बस अब दुआ कीजिएगा कि हादी जान जो है वो खैरियत से घर आ जाए, वो किसी से उसका रابطہ नहीं हो रहा। जाहिर है मोबाइल उसका छीन गया तो वो कैसे रابطہ करेगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको बोलूं। भाई सब गए हुए हैं काम वगैरह पर, तो आई होप सो कि उन्होंने भी देख ली होगी वीडियो, उसके लिए कुछ कर देंगे, काफ़ी परेशानी बन गई है जी दोस्तों। तो वहाँ पर एक छोटा सा सीन क्रिएट हुआ, वो भाई ना बदमाशी बदतमीज़ी, मतलब आप आराम से मुझे बोलते तो मैंने बंद कर देना था कैमरा, बट वो तो भाई ऐसे चढ़ाई कर रहा था जैसे मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, बहुत बड़ा मैंने कोई कानूनन जुर्म कर दिया। सिंपल मुझे कहते यार भाई बंद कर दो कैमरा, मैं कर देता। वो वीडियो क्लिप जो है मैंने अपने जो हमारी जो मीडिया टीम है मैंने उनके साथ वो शेयर किया है। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसी जगह पे जो होते हैं एरिया जिस तरह पब्लिक सेक्टर होते हैं इस तरह के, जहाँ पर आप उनसे परमिशन ले लिया करें तो वो अलाउ कर देते हैं व्लॉगिंग के लिए। तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, बट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब व्लॉगिंग करें तो इन एरियाज़ पे जो है एहतियात करें, और पहले परमिशन ले लें फिर वहाँ पे शूट करें। हमारा मकसद तो सिर्फ ये था कि अच्छा व्लॉग बनता, ट्रैवलिंग व्लॉग। तो मैं अभी बस जा रहा हूँ, बोर्ड ऑफिस मेरे बिल्कुल सामने है, तो वहाँ से अपनी सनद रिसीव करेंगे और फिर वापस। जी फ्रेंड्स, तो काफ़ी देर हो गई है, अभी तक हादी जान नहीं आया है और उसकी कोई ख़बर भी नहीं आई है, तो
अम्मी अब गई हैं चाचू की तरफ, चाचू यहीं पर पास रहते हैं, आप सबको पता है उनका। तो अम्मी कह रही थी कि अब चाचू तुम्हारे से कहती हूँ कि वो जो है पता करें क्या बनी है हादी जान की, अब पता नहीं देखें क्या होता है। आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह करे खैरियत से आ जाए, ये ऐसी उल्टी हरकतें करता रहता है। अम्मी ने इसे मना भी किया हुआ है, नहीं हर काम में टांग अड़ाता है। पहली सनद मेरी मैट्रिक की मुझे मिल गई है, गुम हो गई थी। कैसे हुई ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, बट ये हो गई थी गुम, अब डुप्लीकेट मिली है मुझे। दरवाजा खड़क रहा है, देखते हैं कौन आया है, अल्लाह करे। हाथी कौन? दरवाजा खोलो। हाथी है। आ गए हो? क्या हुआ था, ठीक हो? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, लड़ाई हो गई थी आज। कहाँ? मेट्रो स्टॉप पर, मेट्रो स्टेशन पर। मुझे बड़ी प्यास लग गया, पानी दो, मैं लड़के आ रहा हूँ। लड़के आ ही ना जाए, अच्छा आती हूँ। चलें जी चलते हैं, देखते हैं क्या करके आया कारनामा। कहाँ है? हाँ क्या हुआ था, मैं तो परेशान होगी, ऐसे जागते ही मैंने देखा तो मेरे को पता नहीं अल्लाह क्या कर। यार वो ना बस वीडियो बना रहा था तो वो बदतमीजी करने लग गए, तो फिर मैंने वीडियो तो बंद कर दी, बट मैंने जो हमारे मीडिया सोसाइटी है वहाँ उनसे रابطہ किया, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको ना परमिशन लेनी चाहिए, ऐसे जो सेक्टर होते हैं पब्लिक सेक्टर यहाँ पर वीडियो बनाते हुए परमिशन ले लेनी चाहिए। तो आई एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टैंड कि चलो मेरी गलती होगी, बट उन्होंने जिस तरह से बदतमीजी की ना, ये यार जहालत है, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी जहालत है। आपने अगर लगता है आपको तो आप प्यार से मुझे कह देते कि भाई वीडियो ना बनाए, मैं ना बनाता, बट इस तरह से चीखना। हाँ सही सही बात है, मैं भी डर गई थी एकदम से, मैंने कहा। बट फिर भी मैं ये वीडियो लगाऊंगा और ताकि सबको आइडिया हो जाए कि वीडियो आप व्लॉग करें तो ऐसे एरियाज पर थोड़ी सी वो करें एहतियात। हाँ या परमिशन ले लें और फिर हाँ, बनाएं। जी हाँ सही। आगे तुम्हारे कागजात? हाँ ये भी एक चीज़ है कि जी मेरे मैट्रिक की सनद गुम हो गई थी। हाँ। वो मिल गई है, तो मेरी जितनी सनदें इस फाइल में है ओरिजिनल। हाँ। तो यहाँ पे जी अब ये सर्टिफिकेट भी अपना मैं ऐड करने लगा हूँ आज। ये देखें जी इसकी सनदें हैं, डोमिसाइल जो है मेरा गुम है और वो अभी तक नहीं मिला। सुपीरियर में जब ये गए थे इन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाए थे, बट चलें कोई बात नहीं अभी। हाँ। इस बात को रहने देते हैं। हाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे सारे और ये मैंने दोबारा से बनवाए हैं सारे जी। तो शुक्र है तुमने डरा दिया था, कोई फिर बंदा बाद में मोबाइल मिलने के बाद रابطہ तो कर लेता है। तो मोबाइल मेरे पास ही था तो कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? जर्नलिस्ट का हथियार उसका कैमरा ही होता है, तो मोबाइल मैंने नहीं छोड़ा, मोबाइल मेरे पास ही था, उसकी टेंशन नहीं है। चलो फिर तुम ये सेट करो, अम्मी चाचू की तरफ गई हुई हैं। चलो ठीक है ठीक है, अभी मैं डोमिसाइल चाचू को बताने गई हैं कि तुम्हारा रابطہ नहीं, उनको कॉल करके मना करो। चलो कोई बात नहीं। चलें जी फ्रेंड्स, तो आज का दिन हमारा इसी तरह से रहा, अभी तो गुजरना है। हाँ, अभी तो रात भी होनी है, अभी तो रात ही होनी है। आज ये जी अजीब ही मामला हो रहे हैं मेरे साथ। अब दुआ करें मेरा डोमिसाइल मिल जाए, मैंने एक जगह अप्लाई करना है, पता नहीं डेट गुजर चुकी है कि नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि अप्लाई तो करें। ये देखें जी ये सनदे, नंबर नहीं मैं आपको दिखाता लेकिन गवर्नमेंट का टप्पा लगा हुआ है ये। हाँ इसके अलावा एक ये वाली सनद भी है जी मैट्रिक की। नंबर क्यों नहीं दिखाते वैसे? मैं नहीं दिखा, थोड़े है ना। अच्छा अच्छा मैं को पता नहीं, नंबर कोई खास बात होती है? हाँ मैं समझी, अच्छा या तो कोई चोरी कर लेता नंबर या कुछ, मेरे जहन में वो आ रहा है। चोरी वाली बात नहीं है, थोड़े बहुत है, बहुत थोड़े, बट शुक्र है मेरे पास मेरी ओरिजिनल सनदें सारी आ गई। हाँ ये अच्छी बात, सनदें आ गई है, तब रिजल्ट कार्ड थे ना खाली? नहीं यार, तब भी सनदें थी लेकिन अब वो ओरिजिनल निकल गई हैं। ओरिजिनल ही है लेकिन डुप्लीकेट है, ये देखो। हाँ ऊपर लिखा हुआ है डुप्लीकेट। चलो लेकिन ये जाहिर है अब ये मानी तो जाएंगी ना, कहीं भी जाओगे तो लिखा हुआ था यार, जब उसे पकड़ाई चलो ये लिखा हुआ है डुप्लीकेट, दिखाओ यहाँ से। ये डुप्लीकेट मुझे मिली, ओरिजिनल गुम हो गया ना। चलो वाह वाह क्या बात है, लेकिन ये मानी तो जाएंगी ना कहीं जॉब के लिए ट्राई करेंगे।
22 बोर्ड की है ना, 19 साल की। सही सही।